जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाना है और जीना है या मुझको मर जाना है। अब किसका इंतजार का घड़ी था, कौन इंतजार की घड़िया समाप्त हुई है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड जो 2023 22 और 23 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उस 22 और 23 के एग्जाम का एग्जाम डेट आ गया है। तो इसी एग्जाम से रिलेटेड आपको आज कुछ जानकारी देने वाले हैं। हाँ, और एक बात और, इस बात के लिए घबराइएगा भी नहीं, ठीक है, कि ये जो एग्जाम का डेट आया है आपके सेंटअप एग्जाम का डेट आया है। सेंटअप एग्जाम समझ रहे हैं, यानी बोर्ड एग्जाम से पहले जो आपका स्कूल में एग्जाम होने वाला है, ठीक ना, हाँ, उसको कहते हैं सेंटअप एग्जाम। और ये सेंटअप एग्जाम जो आपका है बोर्ड एग्जाम से तनिक को कामना है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह आपका जो है एग्जाम होने वाला है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उसका ये जो पैटर्न आपका है ये पूरा का पूरा आपको यहां से पता चल जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो ये जो आपका एग्जाम है सेंटअप एग्जाम, ये इसका एग्जाम डेट जारी हो गया है। और आपको बता दें कि इंटर वाले जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, इंटर वाले स्टूडेंट का एग्जाम 11 अक्टूबर से होना तय हुआ है, यानी 11 अक्टूबर से इंटर वाले बच्चों का एग्जाम होगा। और जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो मैट्रिक वाले बच्चों का एग्जाम जो है वो 15 नवंबर से, 11 अक्टूबर से जो है इंटर वाले बच्चों का एग्जाम होगा, और जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम जो है 15 नवंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है। और ये एग्जाम आपको जो है बिल्कुल वैसे ही देना है, उसी तरीके से फॉलो करना है जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जाम का जितना भी रूल फॉलो कराता है। जब आप जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे, वो 10 का एग्जाम दिए थे, उनको सारी जानकारी मालूम है कि किस तरीके से वहां पर रूल और रेगुलेशन का फॉलो कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपको जो है सेंटअप एग्जाम में भी उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। हम आपको यहां पर समझा देते हैं कुछ चीजें जो लिखी गई है। कहता है कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। इंटर का 11 अक्टूबर से और मैट्रिक का 15 नवंबर से सेंटअप परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी राज्य भर के सभी जिला पदाधिकारी को दी गई है। बोर्ड की माने तो सेंटअप परीक्षा के लिए इस बार प्रश्न पत्र भी बोर्ड ने ही तैयार किया है। वाह, गजब। यानी इस बार का जो प्रश्न पत्र है वो बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है, यानी बिहार बोर्ड की तरफ से आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब यह है कि बिल्कुल वही पैटर्न होगा, बिल्कुल समझ लीजिए कि जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में पैटर्न होने वाला है, ठीक उसी प्रकार का जो है क्वेश्चन, और ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन का लेवल जो है आपको यहां पर सेंटअप एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बोर्ड द्वारा सितंबर के अंतिम सप्ताह में सभी डीओ कार्यालय को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जो छात्र सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं उन्हें ही वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ये हर साल ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ बच्चे के मन में यह चल रहा होता है कि यार सेंटअप एग्जाम माने एग्जाम है तो भले स्कूल का एग्जाम है। नहीं, सेंटअप एग्जाम जो आपका है वो एग्जाम आप यदि उत्तीर्ण होते हैं, यदि आप एग्जाम पास होते हैं, सेंटअप एग्जाम यदि पास होते हैं तभी आप बोर्ड एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, तभी आपको जो है बोर्ड एग्जाम देने दिया जाएगा, अन्यथा आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये मन से निकाल दीजिएगा कि तिमाही और छमाही परीक्षा नहीं है, ये सेंटअप परीक्षा है। और ये परीक्षा जब आप उत्तीर्ण होंगे तभी जाकर आप बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, अन्यथा यहीं से लौट जाइए, यहीं से आपका जो है रास्ता खत्म हो गया, फिर अगले साल की तैयारी कर लीजिए। समझ में आ रहा है बात, इसलिए इस एग्जाम को जो है हल्का में ना लें। और इस एग्जाम को जैसे बोर्ड एग्जाम, हम बार बार यही कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम की तरह ही इस एग्जाम को ले, और उसी तरीके से आपको ये एग्जाम भी देना है, ठीक है। चलिए, और कुछ चीजें इसमें अनुमति दी जाएगी, सेंटअप परीक्षा ओएमआर पर ली जाएगी, 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा। बोर्ड की माने तो परीक्षा में 30 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें 17 लाख लगभग मैट्रिक के और 13 लाख लगभग इंटर के विद्यार्थी शामिल हैं।
यानी दोनों बोर्ड परीक्षा मिलाकर कुल मिलाकर जो है 30 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 17 लाख स्टूडेंट मैट्रिक के हैं और 13 लाख विद्यार्थी जो है वो इंटरमीडिएट के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सेंटर एग्जाम को हल्के में ना ले और सेंटर एग्जाम की तैयारी में लग जाइए सभी लोग। जितने भी बच्चे अभी पढ़ाई में थोड़ा सा ढील अपने आप को दे रहे हैं, उन्हें ढील देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अब तैयार कर लीजिए। हम बार बार करें कि जब जागो तब सवेरा वाली कहानी है। ठीक है, अभी से आप जग जाइए तो अभी से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि आप हर रोज कल्ले कर रहे हैं कि कल से जरूर पढ़ेंगे, सोमवार से जरूर पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में कल कभी नहीं आएगा। और हो सकता है कि वो दिन भी आ जाए जिस दिन आपका एग्जाम हो और आप फिर उस दिन भी कहेंगे कि कल से हम पढ़ेंगे। ठीक ना, इसलिए अब शुरू कर दीजिए। अब वक्त आपके पास नहीं रह गया है, जो वक्त बचा है इसमें भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो और अपनी तैयारी को बेहतर करना यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ पेड बैच में यदि जुड़ने का मन है तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसका एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, जिनकी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो इसी इंतजार में बैठे हैं कि अब कहीं से कुछ होगा और हमारा एग्जाम हो जाएगा। ठीक ना, तो हमारी जिम्मेवारी है, हम सभी शिक्षकों की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को निश्चित तौर पर जो है सफलता प्राप्त कराने के लिए जितना भी हो सके अपना पूरा एफर्ट लगाना है। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो बहुत जल्द ही क्रैश कोर्स का व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, जहां पर आपको जो है बहुत ही न्यूनतम राशि में, बहुत ही कम राशि में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पूरे के पूरे जितना भी आपका सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स आपको करा दिया जाएगा। मात्र 3 से 3.5 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, इसको समझ लीजिए, क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है, क्रैश मतलब होता है टकराना। ठीक है, गाड़ी को टकराने का क्रैश कहते हैं ना, तो गाड़ी नहीं, यहां पर आपको जो पढ़ाया जाएगा वह आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएगा, इसी को कहते हैं क्रैश। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, संभव नहीं है। एग्जाम टाइप आपको जरूर तैयार करा देंगे जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में सफल जरूर हो जाइएगा। ठीक ना, हाँ, इतना हम पूरा आपको जो है निश्चित रूप से कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको यह जानकारी कैसा लगा और किनके स्कूल में कब से एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम डेट जब आ गया है तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा एग्जाम कब से शुरू होने वाला है। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि किनके स्कूल में कब से एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, और उनका रूटीन क्या है, ताकि हम आपका जब एग्जाम हो जाए तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन कराने में हमें काफी सहूलियत मिलेगी। और जैसे ही आप एग्जाम देकर आएंगे, आप क्वेश्चन पेपर हमें व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करेंगे, जिनके पास भी क्वेश्चन पेपर आएगा आप क्वेश्चन पेपर हमें देंगे, ताकि उस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन और उसका डिटेल सोल्यूशन हम आपके सामने लेकर आए, ताकि आप अपने आप को आंक सके कि आपने कितना सही किया है, कितना आपने क्वेश्चन सही बनाया है और आपको और कितना बेहतर तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। यह सेंटर परीक्षा का भी यही मतलब है कि आपको एक बार जो है यह जांच कर देख रहा है कि आपकी तैयारी और कितनी होनी चाहिए, आपने कितना तैयारी पूरा कर लिया है और आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। और यदि आप सेंटर परीक्षा में यदि थोड़ा सा कम भी लिखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर लिखने की जरूरत है। यहां आपको सीधे पास होना है, लेकिन वहां बेहतर अंकों से आपको पास होना है। ठीक है, वहां बेहतर रिजल्ट करना है आपको, यहां सीधे पास होना है, वहां बेहतर रिजल्ट करना है। इसलिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा भी ढील ना दें, बचे हुए कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए आप यदि चाहते हैं तो हमारे साथ क्रैश कोर्स में भी जुड़ सकते हैं।